स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। ये 8वीं क्लास है टेंस की। इससे पहले मैं सारे करवा चुका। देखो ये टेंस क्या कहता है। दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये कोई नई बात नहीं है। पास्ट में है, परफेक्ट है और प्रोग्रेसिव का मतलब चल रहा था। दिस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग, इस तरह से यूज किया जाता है। देखो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे होगा स्ट्रक्चर। पहले इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। देखो ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है, हैज हैव के बाद फिर बीन आता है और फिर सिंस फोर आता है और सिंस फोर के बाद टाइम दिया मिलेगा। इसमें हैज हैव की जगह हैड मिलेगा। लेकिन मैकेनिज्म सीखने का मैं बताऊंगा कैसे। देखो सब्जेक्ट आएगा हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी, सिंस फोर प्लस टाइम। यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूजडे, सिंस लग गया, ट्यूजडे दिन का नाम है, नाम से पहले सिंस लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सब के साथ हैड लगेगा। यहाँ पर हैज हैव का चक्कर नहीं है कि किसके साथ हैज लगे, किसके साथ हैव लगेगा, सब सभी प्रोनाउन के साथ हैड लगेगा। यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम फीवर से पीड़ित थे, बीमार चल रहे थे सिंस ट्यूजडे, ट्यूजडे ट्यूजडे से। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो अब नहीं पढ़ रहा भाई, पढ़ाई काम अभी पूरा हो चुका है, पहले ही पास्ट में पूरा हो चुका है। किसी पास्ट एक्शन, पास्ट में किसी बात करने से पहले कोई काम चल रहा था। रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या है, नोट लग जाएगा, हैड बीन और हैड बीन के बीच में नोट लग जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। देखो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of July, जुलाई की 5 तारीख से वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग। इंटरोगेटिव का देख लो, इंटरोगेटिव क्या कहता है, हैड पहले लग जाएगा भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद, अब देखो यहाँ से हैड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी और फिर सिंस फॉर लगेगा, इससे पहले सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, बाकी वैसा का वैसा है। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से वो बुक नहीं पढ़ रहे थे, तो बुक पढ़ने का काम मॉर्निंग में शुरू हुआ और ये काम खत्म हो लिया पहले जो चल रहा था। क्वेश्चन वर्ड देख लो, डब्ल्यू एच में वेयर आता है, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहाँ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था भाई, या यू भी आ सकता है, ये की जगह है, तुम सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो मतलब खेलने का काम पूरा हो चुका है, वो आ गया है घर पे, अब उसकी रिमांड हो रही है। अब रूल पे आ जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है कि इट इंडिकेट्स एन एक्शन, यह उस एक्शन को दर्शाता है, किस एक्शन को दर्शाता है, जो पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में किसी खास समय तक, एक निश्चित समय तक चल रहा था, अब नहीं चल रहा, अब चल रहा होता तो है जय वाला आता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता। व्हेन वी मेट इन लखनऊ, अब ये शुरू वाला क्लास देखो, जब हम लखनऊ में मिले, यहाँ पर मेट है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, ये दे रखा पास्ट, पास्ट टेंस है, इससे पहले ही कोई काम हो रहा था, जब हम मिले ना मिले उससे पहले जो काम चल रहा था वो खत्म। शी हैड बीन स्टडिंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 ईयर्स, जब हम लखनऊ में मिले थे ना तब तभी वह 3 साल से उस कॉलेज में, सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मिलने का काम अनसर्टेन है, लखनऊ में कब मिले, उससे जब हम मिले ना तब उस समय जो पढ़ने का काम था उसका, वो 3 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसको पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 मंथ्स, अरे उस समय जब हम मिले या उस समय, तो वह 2 महीने से उस कंपनी में काम कर रहा था, मतलब काम करने का 2 महीने पहले शुरू हुआ था, कब, उस समय से 2 महीने पहले काम कर रहा था। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। एक रूल और देखते हैं इसका, थोड़ी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल ईजी है। वी मेक यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर इंडिकेटिंग दैट समथिंग बिगन इन द पास्ट, ये बताया मैंने अभी, कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, पास्ट में दूसरा टाइम है, उससे पहले कोई काम चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 6 वीक्स, फॉर 6 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, आर बोथ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है, दैट वी कैन यूज विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यू विल सी दैट,
आप देखोगे दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। मैंने अभी बताया यार, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बट द ड्यूरेशन डज नॉट कंटिन्यू, लेकिन द ड्यूरेशन कंटिन्यू नहीं है अंटिल नाउ, अब तक अब वह काम नहीं चल रहा है। इट विल स्टॉप बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, यह पास्ट में किसी समय से पहले खत्म हो चुका जो चल रहा था। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, शी हैड बीन डांसिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर सैम अराइव्ड। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सैम का आना। जब सैम आया ना, उससे पहले काम चल रहा था, तो वह नाच रही थी, आधे घंटे से नाच रही थी जब सैम आया। अब हमें यह नहीं पता है, नहीं पता सैम कब आया। सैम आया समझ लो, सैम भाई सपोज करो सुबह 8 बजे आया, 8 AM, तो वह जब आया ना तो 7:30 बजे उसने काम शुरू किया था, वो आधे घंटे से नाच रही थी जब सैम 8 बजे आया। ये है इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या कहता है, शी हैड बीन वर्किंग एट एन NGO फॉर 2 ईयर्स। वह 2 साल से काम कर रहा था एक NGO में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। वैन इट गोट शट डाउन, जब यह NGO बंद हुआ ना, तब तो वह 2 साल से काम कर रहा था वहां पे। तो यहाँ पे वैन लगा लगा कंजंक्शन, यहाँ पे बिफोर लगा, क्लाजेस 2 हैं, एक ये इधर, एक इधर ये, और ये किधर। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग, तुम कितने समय से खेल रहे थे। टू गेट ऑन द टीम, टीम में आने से पहले, तो टीम में आना और उससे पहले कब तक, ये क्वेश्चन कर दिया गया कब से खेल रहे थे। कैट वॉन्टेड टू टेक ए रेस्ट, वह रेस्ट लेना चाहता था, बिकॉज क्योंकि कंजंक्शन। शी हैड, अच्छा लड़की है कैट, शी हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे ऑन रोड, क्योंकि वह पूरे दिन रोड पे ड्राइविंग कर रही थी, अब वह रेस्ट लेना चाहती थी। पास्ट से भी पहले पास्ट, ये ड्यूरेशन का काम चल रहा था, तो रेस्ट लेने की बारी आई ना, टाइम आया, उससे पहले वह पूरे दिन रोड पर ड्राइविंग कर रही थी। अब ये तो है ना भाई, ये तो है ना भाई, सुबह सुबह ही रोड के, सुबह सुबह ही ये बात कर रही थी कि सुबह 8 बजे ही ये बात कर, 9 बजे बात कर रहे हैं, 10 बजे को बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं शाम को, इवनिंग टाइम। इसका मतलब इवनिंग टाइम में वह रेस्ट लेना चाहती थी, उससे पहले पूरे दिन वह चला रही थी। अगला, एलन हैड बीन टीचिंग एट द स्कूल फॉर मोर देन ए मंथ, एक महीने से ज्यादा एलन स्कूल में पढ़ा रही थी। बिफोर, फिर ये बिफोर कंजंक्शन आ गया। सी लेफ्ट फॉर लंडन, लंडन जाने से पहले, लंदन गई है पास्ट में, और उससे पहले भी वह पढ़ा रही थी स्कूल में 1 मंथ से भी ज़्यादा से। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग कोरियन बिफोर यू मूव टू सियोल, सियोल जाने से पहले आप कोरियन कितने दिन से स्टडी कर रहे थे, क्वेश्चन किया गया। ए ने क्वेश्चन किया, बी का आंसर, आई हैड नॉट बिन स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था कोरियन वेरी लॉन्ग, ज़्यादा समय से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, ये नैरेटिव है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हम करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के चारों टेंस करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले के टेंस भी आपको समझ में आए होंगे, और भी ज़्यादा डीपली मैं करवाऊंगा, ये मैं सरफेस लेवल पे करवा रहा हूँ, अभी इनकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी, मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।